फिर से सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलेगा, ये अनाउंस हो चुका है। और तो और बहुत सारी ऐसी अपडेट आई है जिसे सुन के आपका दिल खुश हो जाने वाला है। तो बस आप एक काम करो, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मजा आ जाएगा ये वीडियो देखकर। और पता है हमें ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट कब देखने को मिलेगा? 14 दिसंबर से। फाइनली WWE क्या फैसला ली मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनली हमें ये इवेंट देखने को मिलने वाला है। और तो और अभी से ये होप बताया जा रहा है कि इस इवेंट में हमें 5 मैच से भी ज्यादा मैच देखने को मिल सकते हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसका जो ग्राफिक है ना, उसे देख के आपको भी काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। लाइक आप देखो रोमन रेंस को, रोमन रेंस के पास उलफ आला है, वही कॉडिडोर्स के पास तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी नहीं है। तो गाइस आप समझ सकते हो कॉडिडोर्स बहुत जल्द ही अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल हारने वाले हैं। मैं बताऊं कब हारेंगे? क्राउन ज्वेल में। और तो और इस पूरे पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस सोलो शिकोवा से बदला लेके उलफ आला ले लिए उनसे। गाइस आप लोग भी इस ग्राफिक को एक बार ध्यान से देखो, आपको भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये जो लाइव इवेंट होगा ना, इसमें 2 आवर स्पेशल हमें देखने को मिलने वाला है। और इस इवेंट में फोटो में तो ऑब्वियसली रोमन रेंस है, तो रोमन रेंस भी इस इवेंट में दिखने वाले। मजा आएगा गाइस, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है। देन आगे बात करते हैं हमारे क्यूट कपल के बारे में। तो गाइस लीव मॉर्गन और डॉम डॉम को देख सकते हो, ये लोग अपने ही मस्ती में अभी। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग कोई पार्टी में गए थे, डिनर पार्टी में, इसलिए अपना फोटो भी शेयर किया है सोशल मीडिया में। और तो और गाइस जय यीशु ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जय यीशु ये बोलते हुए नजर आए कि हमें ब्लड लाइन की स्टोरी में और भी सरप्राइजेस देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मैं कल के वीडियो में आपको बताई हूँ कि एक और सुपरस्टार का नाम टीज हो रहा है कि वो भी ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाला है 12 सालों बाद। मुझे लगता है कि जय यीशु अब रोमन रेंस वाला जो न्यू ब्लड लाइन होगा ना, उसमें भी जय यीशु आपको दिखने वाले है बहुत जल्द ही। बस तो वेट उस टाइम का है कि कब मेरे रोमन रेंस न्यू वाला ब्लड लाइन बना ले अपना। आगे बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो अभी बताया जा रहा है सीएम पंक को लेके उनका जो प्रोमो होता है ना, वो बेस्ट हो रहा है अभी। मतलब आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो सीएम पंक आते हैं ना एकदम चिलिंग टोन में, अपना प्रोमो देते हैं जो कि सबको काफी ज्यादा ही पसंद आता है। बस आप लोग इस बार के बैड ब्लड का वेट करो, इस बार जो बैड ब्लड होगा ना वो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि सीएम पंक डेफिनेटली हालत खराब कर देंगे ड्रू मैकइंटायर का। आगे बात करते हैं 2 WWE का सबसे हेवीवेट सुपरस्टार यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉसन रीड के बारे में। यार सबको इच्छा रहे कि इनका एक डेंजरस वाला मैच होना ही चाहिए। मुझे तो ब्रॉसन रीड इतने ज्यादा डेंजरस लगते हैं, जिस तरह से वो सुनामी देते, ओ माय गॉड। क्या आप लोग चाहते हैं इन दोनों का मैच एक बार फिर से देखना? आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इस बार के क्राउन ज्वेल के बारे में। तो गाइस इस बार का क्राउन ज्वेल काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार हमारे रोमन रेंस का भी कोई ना कोई मैच देखने को मिलने वाला है आपको क्राउन ज्वेल में। और पता है ये क्राउन ज्वेल कब होगा? 2 नवंबर से, मतलब कि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 से 2 महीना बचा है अभी बस। और आगे बात करते हैं रोमन रेंस को लेके, इतना ज्यादा टीज हो रहा है कि आप देख सकते हो रोमन रेंस जो उलफ वाला पहने है ना, मतलब आप समझ रहे हो 1-2 महीने के बाद ही रोमन रेंस के पास उलफ वाला आ जाएगा और कॉरिडोर सप्लाई चैंपियनशिप हार जाएंगे। देन आगे बात करते हैं नेटफ्लिक्स एरा में। तो गाइस मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूँ कि इस बार जो नेटफ्लिक्स स्टार्ट होगा ना जनवरी से, उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो न्यूज है जॉन सीना को लेके, ये बताया जा रहा है कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले हैं। और वही हमें रोड टू रेसलमेनिया भी देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर ब्लड लाइन में भी न्यू स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली एक फ्यूड तो कभी खत्म होगा ही नहीं, जो कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच हमें देखने को मिलेगा न्यू वाला राइवलरी। और तो जब WWE नेटफ्लिक्स में चला जाएगा तो हमें बहुत सारे सरप्राइजेस भी देखने को मिलने वाले। तो गाइस मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है नेटफ्लिक्स एरा का। यार जो लोग भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, प्लीज अगर आपको मन होगा तो मुझे भी शेयर कर देना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे बोरिंग यानी कि कॉडी रोड्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोली कि कॉडी रोड्स अपना अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन हारने वाले हैं, तो कॉडी रोड्स जब अपना चैंपियनशिप हार जाएंगे ना दिसंबर के पहले, उसके बाद भी उनका एक मैच देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 41 में। और ये जो मैच होगा ना, ये द रॉक वर्सेस कॉडी रोड्स का होगा, वो भी पीपल्स चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस आप समझ सकते हो अभी से लेकर रेसलमेनिया 41 तक पूरा धमाका होने वाला है, सब कुछ अभी से ही रिवील हो गया एक एक करके। आगे बात करते हैं हमारे डोरेमोन यानी कि पॉल हेमन के बारे में। पॉल हेमन को लेके ये न्यूज आ रहा है कि पॉल हेमन बहुत जल्द ही वाइस मैन बनने वाले द रॉक का। और ये जो न्यू वाला ब्लड लाइन होगा ना, उसके भी वाइस मैन दिखने वाले है पॉल हेमन। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच है ना, ये रेसलमेनिया 41 के लिए टीज किया गया है। बट बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट से ये पता चला है कि इनका ये मैच नहीं होगा रेसलमेनिया 41 में, रेसलमेनिया 42 में होगा, जो कि आप बोल सकते हो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का हमें 2026 में मैच देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन रिसेंटली अपनी वाइफ के साथ घूम रहे हैं वेकेशन ट्रिप में। रैंडी ऑर्टन इतने मेहनत करते हैं तो वो वेल डिजर्व है, मैं तो चाहती हूँ कि रैंडी ऑर्टन घूमते ही रहे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मेरी पांडा यानी कि रोमन रेंस के बारे में। अभी रोमन रेंस सबसे स्पेशल पर्सन है WWE में, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ही देख लो रोमन रेंस को बताया जा रहा है ही इज द बिगेस्ट स्टार इन रेसलिंग टुडे। और तो रोमन रेंस को
ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से रोमन रिंग्स का एंट्री होता है और जितना एक्साइटेड हो जाते हैं फैंस उन्हें देखकर, और रोमन रिंग्स के चैंट होने लगते हैं OTC एक्नॉलेज में, पूरा WWE एरिना हिल जाता है जब भी रोमन रिंग्स का एंट्री होता है। तो यार जब भी रोमन रिंग्स का अपीयरेंस होता है ना, तो मैं तो पूरा एकदम हिलती नहीं हूँ, वहां से बैठी रहती हूँ उनका शो देखने के लिए। आप लोग भी इतने दिनों से मुझे जानते हो, आपको तो पता ही है कि मेरे फेवरेट है रोमन रिंग्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।